भोजपुरी में किस हीरो से सबसे ज्यादा विवाद हुआ है, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। इन दिनों आप सभी को पता ही होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा विवाद हुआ है, रवि किशन मनोज तिवारी में भी हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना अब हो रहा है। लेकिन अब का जो विवाद हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो चलिए आप सभी को बताया चाहता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में किस हीरो से सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। बात की जाए निरहुआ के बारे में तो भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ से किसी से विवाद नहीं हुआ है। थोड़ा सा खेसारी लाल यादव से लग रहा था कि हो जाएगा विवाद, लेकिन निरहुआ ने डांट दिया, खेसारी चुप हो गए अरब फिल्म को लेकर और निरहुआ ने अरब फिल्म को रिजेक्ट भी कर दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी हीरो से पवन सिंह से अभी तक विवाद नहीं हुआ है, सिर्फ खेसारी लाल यादव को छोड़कर। और खेसारी लाल यादव से बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है, कभी कभी बीच में मिल भी गए थे, लेकिन अब तो लग रहा है 3-4 साल से कभी भी नहीं मिले हैं एक साथ। और इन दोनों का विवाद शुरू हुआ था अक्षरा सिंह से, छोड़ के यादव जी मरद असली जाके बाबू साहब से फसली, वहां से शुरू हुआ था। बाकी पवन सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से विवाद नहीं है अभी तक। आप चलिए बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से बहुत लोगों से विवाद हुआ है। खेसारी कल्लू में 2-3 बार विवाद हुआ है। कल्लू को एक बार बोल दिए थे कि टीवी पे आ गए, फिर उसके बाद यादव जी की बेटी कल्लू गाना गए थे, उस पे भी खेसारी लाल यादव रिएक्शन लिए। बात की जाए प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में तो खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव में 4-5 बार विवाद हुआ है गाने को लेकर। और बात की जाए खेसारी और चिंटू के बारे में तो खेसारी और चिंटू में भी 4-5 बार विवाद हुआ है काजल को लेकर, फिल्म को लेकर। और बात की जाए पवन खेसारी का तो पवन खेसारी का अभी विवाद जारी है। और बात की जाए खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे का तो खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे में भी 4-5 बार गाने को लेकर विवाद हुआ है और रिमोट पे बोले थे उस पे भी विवाद हुआ था। और बात की जाए खेसारी लाल यादव और समर सिंह के बारे में तो खेसारी लाल यादव और समर सिंह में भी विवाद हुआ था। और बात की जाए खेसारी लाल यादव और गुंजन सिंह के बारे में तो शायद इन दोनों में भी विवाद हुआ था। हाँ तो दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विवाद हुआ है तो खेसारी लाल यादव जी से ही हुआ है। और सिर्फ खेसारी लाल यादव से ही क्यों होता है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।